वेलकम बैक। आज मैं लेके आ गई हूँ एक और शीन हॉल वीडियो। इस बार शीन से बड़े बड़े दो डिब्बे आए हैं और इन दोनों के अंदर बहुत सारी ड्रेसेस हैं। इस बार मैंने अपने ससुराल वालों के लिए भी ड्रेसेस मंगाई हैं, जैसे कि मम्मी जी के लिए, पापा जी के लिए, मेरे लिए, प्रिंस के लिए, सिया के लिए, बस औरों के लिए नहीं मंगवा पाई क्योंकि जो चीजें उनको पसंद आई वो स्टॉक आउट हो गई थी, तो जो स्टॉक में था वही मंगवाया है। तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट हाँ मैं इनका रिव्यू जरूर कर रही हूँ ताकि आपको पहन करके दिखा पाऊँ कि इनकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ तो मुझे मिलता है एक कूपन कोड जो कि मैंने वीडियो के नीचे लिंक में दे रखा है, क्योंकि चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल पे ऑफ मिल जाता है अगर जो कोड मैंने आपको दे रखा है वो आप यूज करते हो तो जब शॉप करें तो कोड यूज करना ना भूलें। विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है इस बार के शीन वीडियो में, तो अगर आपको मेरी कोई भी ड्रेस पसंद आती है तो मेरा शीन हॉल वीडियो देख लीजिए, वहां आपको लिंक मिल जाया करेगा। तो इस बार की ब्लैक फ्राइडे सेल को मिस आउट ना करें और देखते हैं कि इस बार शीन से इस दो डब्बों में भर भर के कौन से कपड़े मंगवाए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पार्टी वेयर टाइप की ड्रेस है, बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की सा कपड़ा है, सैटन सॉफ्ट है ये। और इसका डिज़ाइन अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आई थिंक आप सबसे ज़्यादा हटके अलग दिखने वाले हो। आपका बॉडी का शेप साइज कोई सा भी हो, मोटे हो पतले हो, हर किसी की बॉडी में फिट आ जाएगा और आपका लुक भी बहुत गॉर्जियस आएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा पेट निकला भी हुआ है तो आप ये पहन सकते हो। क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो विंटर कलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक जैकेट भी ऑर्डर की है। दिल्ली जैसी सर्दी में आपको चाहिए होता है एक ऐसा वार्म जैकेट जो आपको कोजी कंफर्टेबल रखे, तो उसके लिए ये वाला परफेक्ट है। बच्चे हो या बड़े हो दोनों के साइजेस में अवेलेबल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हद से ज़्यादा गर्म है दोस्तों। दिल्ली की सर्दी जैसी जगह के लिए, मनाली के लिए बेस्ट बाय है, अब तक की बेस्ट चीज़ वो जैकेट और ये वाला फुटवेयर। ये फुटवेयर मैंने इस बार नहीं मंगाया था, ये फुटवेयर मैंने लास्ट टाइम मंगवाया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा इस बार भी आपको रेकमेंड कर ही दूँ। ये विंटर्स के लिए स्पेशली है, देखने में एकदम खरगोश जैसा लुक आता है, उतना ही सॉफ्ट है, बच्चे और बड़े दोनों के साइज में अवेलेबल है। अंदर से भी बहुत गद्दमदार, सॉफ्ट और कोजी सा है, वॉर्म है बहुत ज़्यादा। आपको सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला फुटवेयर घर में पहनते हो तो। ये घर के लिए ही है और देखने में क्यूट तो लगता ही है खरगोश की तरह, पर उतना ही कंफर्टेबल है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। साथ ही साथ मैंने कुछ फॉर्मल वेयर्स भी मंगवाए हैं इनकेस अगर आप ऑफिस जाने के लिए या इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कोई ड्रेस ढूंढ रहे हो अच्छी सी, तो ये मुझे बहुत लगा। ये जो शोल्डर आपका फूला फूला है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ फॉर्म सा लगा हुआ है, तो शोल्डर जो उठी है उसके ऊपर मोतियों का काम है और ये थोड़ी सी शॉर्ट टॉप है, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल सॉफ्ट है, कलर भी बहुत प्यारा है। और भी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बट ये टॉप और इसके साथ ये जो हाई वेस्ट की फॉर्मल पैंट है, ये पैंट आप अगर ऑफिस जाते हो तो होनी ही चाहिए। अगर ड्रेस की बात करें तो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ मैं आपको बैग भी दिखा रही हूँ, ऑफिस के लिए आप अच्छा खासा बैग ढूंढ रहे हो तो ये बैग अगर आप कैरी करते हो ऑफिस में तो सब आपको नोटिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका बैग बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और ऑफिस वेयर टाइप का लगता है। देखने में लेदर का लग रहा है बट लेदर का बैग नहीं है ये, ये अच्छी बात है क्योंकि लेदर की चीज़ें मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आपके वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, डायरी, नोट्स, ऑफिस के लिए जो भी ज़रूरी एसेंशियल्स होते हैं वो इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर दो एक्स्ट्रा बैग मिलते हैं, एक बड़ा बैग स्लिंग बैग बना लो और एक छोटा सा पाउच मिलता है जिसके अंदर आप पैसे रख सकते हो। ये स्ट्रैप भी आता है कि इन केस अगर आप शोल्डर पे कैरी करना चाहते हो, वेट ज़्यादा है आपके बैग में तो शोल्डर ब्रॉड अगर स्ट्रैप होता है तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देखने में भी क्लासिक लग रहा है और वेट भी ज़्यादा आपके शोल्डर पे पड़ेगा नहीं अगर सामान ज़्यादा। मेरे फुटवेयर्स को इग्नोर करें क्योंकि ये एक ही फुटवेयर है जो प्रिंस मेरे लिए मुंबई से लेके आए हैं, तो इग्नोर माय फुटवेयर्स, है नहीं मेरे पास फिलहाल। ड्रेस की बात करते हैं, ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी और स्मार्ट लुक दे रही है, मतलब बीच वॉक पे जाना हो, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना हो तो आप इस ड्रेस को पहन सकते हो, ये एज अ गाउन पहन सकते हो, लेगिंग्स पहन लो तो एज अ सूट पहन सकते हो, या घर में भी आप लूज से कपड़े पहनना चाहते हो तो नीचे से बहुत लूज है, अगर आपका थोड़ा टमी वगैरह भी है तो वो हाइड हो जाता है, कलर बहुत प्यारा है।
ये जो अगली ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने इसका रेड का मरून कलर में मंगवाया है और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सेम ड्रेस दूसरे कलर में मंगवाया है। तो और मैं इसके और भी बहुत सारे कलर्स, आई थिंक 10-20 कलर्स हैं इस ड्रेस में, तो मैं सारे कलर्स का कलेक्शन अपने पास चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर सेम ड्रेस अलग कलर में मंगवाऊँगी। मुझे इसका वर्क, इसके बाजू, इसका घेर, इसका कलर, इसका अपर वर्क, मुझे हर चीज़ इस ड्रेस की बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं पूरे कलर्स का कलेक्शन अपने पास इकट्ठा करने वाली हूँ आने वाले दिनों में। आप बताओ आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके बोलो। ये ड्रेस देखने में आपको लग रहा है कि थोड़ा ओल्ड फैशन बोरिंग सा लग रहा है, पर शायद इसके अंदर जीन्स पहना होता तो बहुत अच्छा लगता। कैजुअल ड्रेस तो आप कभी कभी लूज टॉप पहनना चाहते हो, कैजुअल दिखना चाहते हो पर फिर भी स्टाइलिश दिखना चाहते हो, तो उन दिनों में ये पहन सकते हो और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। अगली ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरी वाइट कलर में है और ये वाइट कलर मेरा कैमरा ले नहीं रहा है प्रॉपरली और कलर एकदम बाउंस होकर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सैटन सॉफ्ट सिल्की सा कपड़ा है ये, साइड से इसके कट है। अगर आप ये शॉर्ट्स के साथ पहनते हो, जीन्स के साथ या प्लाजो के साथ भी पहनते हो तो बहुत अच्छा स्टाइलिश ट्रेंडी सा लुक है, डिफरेंट आपका ड्रेस ये लगने वाला है। मुझे बहुत ही ये प्यारा लगा। अगर आपकी फिगर बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली ये बेस्ट बाय है। और इस बार के शीन के जो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ वो काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप कोड यूज़ करते हो, जो मैंने लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना, वो आप ज़रूर अप्लाई करें कोड, अफोर्डेबल कपड़े आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे नहीं है क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये वाली ड्रेस आप काफ़ी सारी वीडियोस में देख चुके हो। कपड़ा मैं बताऊँ ना, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप भूल जाते हो कि आपने कुछ पहना भी है, इतना हल्का सॉफ्ट एकदम बटरी सॉफ्ट सा लगता है। घेर काफ़ी अच्छा खासा है, बीच से एक कट है, तो आप प्लाजो या जीन्स पैंट वगैरह पहनते हो या शॉर्ट्स भी अगर इसके नीचे पहनते हो बहुत स्मार्ट लुक आता है। आप अगर बाहर नहीं भी पहनना चाहते, घर में पहनना चाहते हो, एज अ नाइटी भी पहनना चाहते हो, वैसे नाइटी नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसे लूज लूज से कपड़े कभी कभी पहनना चाहते हैं ना घर पे, तो मैं लूज कपड़े ही पहनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की ड्रेसेस। और ये जो मेरा अगला सूट कम गाउन है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया इसका कलर, लेकिन इसमें बटन्स इतने ज़्यादा ना कि मैं तो खोलती नहीं हूँ, ऐसे ही पहन लेती हूँ, बटन्स खोलोगे तो बटन्स बंद करने में ही टाइम लग जाता है। कलर अच्छा है, घेर अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, फिलहाल प्रेस नहीं किया हुआ इसलिए आपको घुचड़ घुचड़ सा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है ये भी। तो आप इसको जीन्स प्लाजो शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो। हाँ थोड़ा सा पतला है तो आपको इसके नीचे कुछ तो पहनना पड़ेगा और ये कॉटन का है। सारी जो भी आपको कपड़े मैं दिखा रही हूँ उन सबका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ आप एक बार वो चेक ज़रूर कर ले। ये जो अगला सूट मैं दिखा रही हूँ ये फॉर्मल टाइप का है, ये फॉर्मल सूट आप बोल सकते हो, बीच में कट है, आपका प्लाजो जीन्स शॉर्ट्स, किसी शॉर्ट्स के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, तो फॉर्मल कम कैजुअल लुक आ जाता है। इसका भी कपड़े पूरा कॉटन का है पर डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अनोखा डिफरेंट भी नहीं है बट क्योंकि बीच में कट है तो स्टाइलिश ये लग रहा है मुझे। अगली जो ड्रेस मैं दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको लिया है क्योंकि बहुत सस्ता है ये, प्राइस डिस्काउंट के बाद बहुत सस्ता हो जाता है, इसीलिए मैं पर्टिकुलर प्राइस आपको नहीं बता रही, प्राइस आप चेक कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली वेयर के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, कभी ओकेशन पार्टी हो, आपको जाना हो, ज़्यादा हैवी नहीं पहनना चाहते ये पहन सकते हो। ये अलग से मैंने जैकेट इसके ऊपर टाई अप किया है, ये जैकेट भी ब्लाउज टाइप का है इसका, इसकी बाजू बहुत अच्छी लगी मुझे, ये नेट का पूरा बना हुआ है और नेट ऐसा है जो कि बहुत सॉफ्ट है, चुभने वाला नेट नहीं है, पीछे से जिप है तो आप पूरी फिटिंग आपको मिल जाती है। मैंने जितने कपड़े भी मंगाए हैं उसमें मैं मोस्टली ये देखती हूँ कि मेरा जो ब्रेस्ट का साइज़ है 33 के आसपास हो और वेस्ट का साइज़ 26 के आसपास हो, वो कभी कभी स्मॉल भी होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा स्मॉल, कभी मीडियम में भी होता है, तो आप वो साइज़ चेक कर लिया कीजिए। मेरे मोस्टली स्मॉल साइजेस ही होते हैं या फिर मीडियम होते हैं, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से ड्रेस चूज़ कर सकते हो। इस टाइप की ड्रेसेस मेरे पास बहुत सारी हैं क्योंकि मेरे को ये वाला पैटर्न, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दोबारा से सेम ड्रेस अलग कलर में मंगा लेती हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। कई वीडियोस में आपने मुझे ये पहनते हुए देखा और पूछते हो कि आपने ये जो ड्रेस पहनी है कहाँ से लिया है, इसका लिंक दे दो, तो मैंने बताया ना मोस्टली मेरे कपड़े सारे शीन के ही होते हैं, तो आप मेरा शीन हॉल वीडियो देख लिया करो, कोई ड्रेस मेरी आपको पसंद आ जाती है तो। ये भी बहुत प्यारा कलर है इसका।
अगला मैं आपको ये जो बैग दिखा रही हूँ बहुत ही स्पेशियस है अंदर से, देखो तो छोटा है लेकिन काफ़ी स्पेशियस है, आपका मोबाइल फ़ोन, कंघी, लिपस्टिक, मेकअप का प्रोडक्ट सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। लुक बहुत क्लासिक सा लगता है। ये मैंने अपनी सासू माँ जी के लिए मंगाया है क्योंकि उनको एक छोटा सा बैग चाहिए था जिसके अंदर वो अपना मोबाइल फ़ोन, चश्मा वगैरह रख पाएँ, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ये वाइट टी शर्ट प्रिंट्स के लिए मंगाई है। अब सारे कपड़े मेन के होने वाले हैं, तो अगर आपके भाई हैं, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, फादर इन लॉ हैं, उनको बुलाइए, उनके साथ ये वीडियो देखिए, उनसे पूछिए उनको कौन सा पसंद आ रहा है, तो वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। प्रिंस ने अपने जितने भी कपड़े मंगवाए हैं मुझे, मैं आपसे इस बार नहीं पूछूंगी किसके अच्छे लगे क्योंकि मुझे प्रिंस के तो बहुत ही अच्छे लगे सारी ड्रेसेस, फिर भी आपका मन हो तो बता दो किसकी चॉइस आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये वाइट टी शर्ट और ये जो डेनिम जैसी दिखने वाली शॉर्ट्स है, ये डेनिम नहीं है पर डेनिम जैसे दिखने वाले शॉर्ट्स है, ये दोनों बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे से डिटेल वर्क इसके अंदर किया गया है और क्योंकि प्रिंस ने पहना है तो मैंने पूछा कंफर्ट लेवल कैसा था, तो इन सारे कपड़ों का फैब्रिक अच्छा लगा उनको और कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल कपड़े हैं ये सारे। अगला जीन्स, ये जीन्स मुझे कुछ खास नहीं लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज लगा मुझे प्रिंस के अंदर, बट अगर फिटिंग में हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाली जीन्स प्रिंस ने अपने बड़े भैया जी को गिफ्ट कर दी है, उनके अंदर ये पूरी फिट आ गई, तो फोल्ड करने के बाद, फिटिंग के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। कलर अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है इसका, लेकिन जीन्स के सारे कपड़े उतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं, थोड़े पतले हैं बट देखने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो शर्ट पहनी है उन्होंने, टी शर्ट पहनी है, उसका फैब्रिक बहुत मोटा है तो क्वालिटी लगती है मोटे कपड़ों की, हाँ की अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे ब्रांड का है। अब तक जितने भी जीन्स आपने देखे और देखोगे उनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रिंस को ये लगी, उनको ये बहुत ही पसंद आया क्योंकि एकदम मॉडल जैसा लुक आता है इसके अंदर, स्टाइलिश है, कंफर्टेबल भी है, कलर भी उनका फेवरेट है, तो ये वाला वो हाईली रेकमेंड करते हैं कॉलेज गोइंग बॉयज़ के लिए। ये वाली जीन्स मुझे उतनी खास तो नहीं लगी लेकिन प्रिंस को बहुत अच्छी लगी, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये, बट ये भी बहुत कम्फर्टेबल है। तो अगला ये जो लोअर है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगा, इसके नीचे आपको जिप भी मिल जाती है, कंफर्टेबल है, और अगर आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ हटके डिफरेंट चाहते हो कलर कॉम्बिनेशन, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अमेजिंग कलर है। तो दो तीन और मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है, ये भी एज अ लोअर घर में भी पहन सकते हो, बाहर पहन सकते हो, वाइट के साथ कॉम्बिनेशन इसका कितना अच्छा लग रहा है और डिफरेंट लुक आ रहा है। अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना हो तो ये वाला ज़रूर करना लोअर, अगर वो जिम वगैरह जाते होंगे तो, क्योंकि जिम में फिर सब उनको देखेंगे, कहीं फिर आपको ये ना लगे सब उनको क्यों देख रहे हैं लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगला देखने में लग रहा है कि मोटा कपड़ा जीन्स का है, लेकिन ये जीन्स नहीं है, जॉगर्स है, जो कि काफ़ी हल्का है, कंफर्टेबल है और बहुत स्ट्रेच हो जाता है, मतलब प्रिंस उठपटांग हरकतें करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब अपने लेग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, हर कुछ करके दिखा रहे हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो इस वाली जीन्स कम जॉगर्स में, तो बहुत कम्फर्टेबल है ये वाला भी। अगली ड्रेस उन्होंने अपने फादर के लिए मंगवाई है, जितेंद्र टाइप की ड्रेस है, उनसे पूछा था, ऑनलाइन दिखाया था कि आपको कौन सा चाहिए, तो उनको ये वाला कोट पैंट पसंद आया था, उनको वाइट कपड़े बहुत पसंद आते हैं, तो दोनों ही उनके फादर के लिए मंगाया है, तो आप देख सकते हैं अगर जितेंद्र आपके फादर के फेवरेट रहे हो और इस टाइप के ड्रेसेस वो पहनते हो तो आप ये देख सकते हो। ये भी फैब्रिक इसका भी काफ़ी अच्छा है लेकिन कोट थोड़ा सा हल्का है, कोट होते हैं ना अक्सर थोड़े मोटे होते हैं, ये मोटा नहीं है, थोड़ा हल्का है। विंटर्स है तो अगर आप डेनिम जैकेट ढूंढ रहे हो तो ये आप देख सकते हो, जो लोग डेनिम की जैकेट पहनते हैं, बहुत डिटेल वर्क इसके ऊपर दिया है और काफ़ी डिफरेंट लगेगा बाकी के डेनिम जैकेट्स जो आपके फ्रेंड्स पहनते होंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टिकर्स वगैरह लगा के कलर कॉम्बिनेशन लाइट डार्क करके थोड़ा डिफरेंट रफ एंड टफ लुक दिया है। ये अगली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने अपने भाई के लिए मंगवाई है, तो वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो प्रिंस पहन करके दिखा रहे हैं। ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन ऑल टाइम फेवरेट होता है मेरा, और प्रिंस पुतले की तरह, स्टैचू की तरह घूम करके दिखा रहे हैं। ये आप जब विंटर्स का सीजन है या हल्की ठंड है तभी वाली जैकेट पहन सकते हैं। जितनी भी जैकेट्स आपको दिखाए प्रिंस को, सब में से ये वाला बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मुझे भी अच्छा लगा, ये बहुत रिच रॉयल स्टाइलिश सा कलर कॉम्बिनेशन लुक पैटर्न डिज़ाइन लग रहा है इसका,
सच में क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। आप मेरी काफी सारी वीडियोस में प्रिंस को ये वाली जैकेट पहनते हुए देख रहे होंगे जिसके अंदर ये बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आप ही जज करना। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि ये वाली जैकेट जारा को भी टक्कर दे रहा है, जारा की जैकेट्स भी कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं। दूसरे नंबर पे ये वाली जैकेट प्रिंस को बहुत अच्छी लगी, इसका मतलब लुक पैटर्न डिजाइन इसका भी बहुत ही ज्यादा अच्छा। आप बोलोगे हर ड्रेस को आप बोल रहे हो अच्छा अच्छा है, पर इस बार का कलेक्शन काफी अच्छा आया तो क्या करें। कैसी थी इस बार की शीन कलेक्शन, आपको पसंद आया नहीं? वैसे मेरे कपड़े कम थे, प्रिंस के लिए मेंस वेयर ज्यादा थे, तो अगर आपको पसंद आई हो आज की वीडियो तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब शेयर आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। अगली शीन वीडियो में आप कौन से कपड़े देखने चाहते हैं वो भी कॉमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन और रोमांचक एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।